ये ताना बाना टूटने की नौबत की बात जो ये मंत्री जी कर रहे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, निर्लज्जता के ऊपर हमें ही शर्म आ रही है उनकी। किसने तोड़ने की, कौन आया बाहर से वहां ताना बाना तोड़ने? वहीं पे एक जो टीचर है जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये नफरत का जहर है, उस जो नफरत का जो जहर घुला हुआ है वो हमें और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चपेट में आई हुई है। वो टीचर जो गोदी मीडिया की चपेट में है, गोदी मीडिया के अंडर जो दिन रात बाहर उगलते हैं उसको वो टीचर रोज पीती है, रात को टीवी देखती है जिस वक्त। तो ये उसके नतीजे में ताना बाना टूटा है। जो ताना बाना तोड़ने की बात वो टीचर कर रही है या हमारे जैसे लोग कर रहे हैं, जो जिसने इस अन्याय को और इस अत्याचार को हाईलाइट किया, जिन्होंने इस अत्याचार को जोर शोर से सोशल मीडिया पे उठाया। अगर हम और आप लोग सोशल मीडिया पे ना उठाते इस बात को, तो मेरी गारंटी है कि कोई वहां पे सुलह सफाई की बात भी होती है। और कहे की सुलह सफाई, उस मैं तो उस बच्चे की चिंता कर रही हूँ, उस छोटी सी उम्र में उसके मन मस्तिष्क के ऊपर जो घाव पड़ा है वो कभी जिंदगी भर भरेगा नहीं। ये मान मनावल कराने से नहीं भरेगा। वो जो उसने उस टाइम अपमान, प्रताड़ना और जिस तरह के भावों से उसके दिमाग से गुजरे होंगे वो कभी नहीं भूलेगा जीवन में। और आप किस तरह वो बात कर रहे हैं, वो लेडी नाम ले रही है मोहम्मदंस का कि इन्हें वहां भेज दो। वहां का मतलब आपको पता ही है क्या होता है इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो ये जो मंत्री जी हैं, जिस विचारधारा से ये आते हैं, वो संघ की विचारधारा है। उनके गुरु गोलवरकर कहते हैं कि देश के तीन दुश्मन है, कम्युनिस्ट, मुसलमान और ईसाई। तो आपकी तो विचारधारा के अंदर ही लिखा हुआ है ये सब और जो हो रहा है। तो ये अगर ये नहीं, अगर ये विचारधारा में इस तरह का जहर ना घुला हुआ होता नफरत का, तो क्यों ट्रेन में वो चेतन सिंह चुन चुन के मारता है तीन मुसलमानों को? और ये पहली घटना नहीं है स्कूल में शिव कुमार जी, इससे पहले गुजरात में पिछले हफ्ते घटना हुई है, शायद मैंने आपके चैनल पे बताई भी थी। वो बच्ची जो है गुजरात के मेहसाणा गांव, मेहसाणा के गांव में किसी, वहां पे बच्ची वो 10वीं क्लास में फर्स्ट आई। तो जब उसको पुरस्कार वितरण समारोह किया गया तो ना तो उस बच्ची का नाम बुलाया गया और ना उसको पुरस्कार दिया गया। सेकंड और थर्ड टॉपर जो उनको दिया गया पुरस्कार, वो हिंदू थे। जब उसके पिता ने शिकायत की तो कहा अगले साल दे देंगे और क्या 10 दे मीनू देंगे। जी, मीनू जी, मीनू जी, क्या मुसलमान टैक्स पे नहीं करता है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को हक नहीं मिलना चाहिए, या फिर नहीं मिलना चाहिए? वोट देने का अधिकार छीन लो उसे, बिल्कुल बेदखल कर दो। अब अगर उसे वोटर के लिए भी आप पसमानदा की बात करोगे, पिछड़े मुसलमानों की बात करोगे, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसी मुसलमान को पीटोगे भी, और पीटने के बाद मलहम लगा के ये भी कहोगे मंत्री जी कह नहीं रहे हैं। किसने ताना बाना तोड़ा है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, तोड़ा किसने? और आप ही ये शब्द कह रहे हो किसने तोड़ा है? नहीं, आप जो बात कर, जो कह रहे हैं आप पसमांदा मित्र की बात कर रहे हैं कि हाँ, वो भाजपा मोदी जी कह रहे हैं कि पसमांदा के साथ जाके मित्र बनाइए। इधर मोदी जी कह रहे हैं पसमांदा मित्र बनाइए, उधर लिंचिंग हो रही है मुसलमान की। इधर मोदी जी कह रहे हैं कि महिला मुसलमान महिला महिलाओं से राखी बंधवाए भाजपा ही जाके, भाजपा के नेता, और इधर उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। शिव कुमार जी, अगर ये महिला मुस्लिम होती ना टीचर, अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। ये जो सुलह सफाई और आपस में कह रहे हैं ना, हमने मिल बैठ के बात कर ली है, वो अब तक का खाता उसका परिवार और वो सब अंदर होते और उसका घर बिल्कुल धराशायी हो चुका होता, जमीन में मिला बिल्कुल दिया गया होता। बिल्कुल और बिल्कुल आप ठीक दूसरी, करें, जी जी हाँ जी जी और ये जो कह रहे हैं ना कि सुलह सफाई हो गई है, ये सुलह सफाई G20 के डर से हुई है, क्योंकि जो नुहू की घटनाएं हुई थी वो सारी दुनिया में छा गई थी। और अगर ये इसी टाइम बैठ के इसका ये जो सुलह सफाई कर रहे हैं वो उसकी वजह से कर रहे हैं। और दूसरी बात, सुलह सफाई की बात सुन लीजिए, उस बच्चे के पिता ने कल तक क्या कहा था सुबह तक कि मैं तो पुलिस में भी नहीं जा रहा हूं। तो इसका मतलब कितने दबाव में था वो, उसको दबाव दिया गया हुआ उसके ऊपर, डर बैठा है, वो ऑलरेडी डरा हुआ था, वो क्या मैं सुलह उम्मीद सफाई करूंगा। करेगा? बच्चे को टीचर पीटे या माँ बाप, ये माँ बाप की कमजोरी है और टीचर की कमजोरी है अयोग्यता है, अक्षमता है कि आप जबान से उसको नहीं संभाल सके। आपके जमाने में मारपीट के अलावा एक काम और भी होता था माँ बाप का या टीचर का कि आंख दिखा दी एक बार तो बच्चा वही पेशाब निकल जाता था। तो वह मारने की जरूरत क्या है? अगर आप और आप अपने व्यवहार से सामने बच्चे के उदाहरण प्रस्तुत करिए, जो माँ बाप पीटते थे वो उन पुराने जमाने के या आज के भी, उनका आप वो खुद उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षम है बच्चों के सामने। बच्चों को पीटना माँ बाप की नाकाबिलियत है, नाकामी।
जो नाकाम माँ बाप नाकाम टीचर होते हैं वो पीटते हैं बच्चों को, जो बच्चे नहीं पिटते क्या वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करते? बच्चा जिद्दी और ढीठ हो जाता है पिट के, एक बार पीट दीजिए उसके बाद उसको लगता है इसका तो काम ही है ये पीटना, वो करता है सब कुछ जो उसे करना हो। तो दूसरी बात कि ये जो अब जो चल रहा है, जो ये चल रहा है, जो ये नाटक किया गया है, जो अब डर के मारे कि जो पब्लिक ओपिनियन है वर्ल्ड की वो ना बदल जाए। देखिए इसमें सबसे बड़ा दोष है प्रधानमंत्री का, जो लाल किले से तुष्टीकरण की बातें कर रहे थे उस दिन उन्होंने बता दिया। आज तो रो पड़े हैं आप, आरोप मत लगाइए, मणिपुर की घटना पे नहीं रोए लेकिन जो एक कामयाबी मिली उसमें वो रो गए, मणिपुर पर नहीं रोए, मुंह पर नहीं रोए। वो क्योंकि देखिए मैं आपको कह दूं, क्योंकि जब वो यहाँ थे नहीं ना तो देश में क्या क्या उनके लिए लिखा जा रहा था कि अच्छा है क्यों नहीं है वो यहाँ पे, इसलिए रो रहे थे वो कि देश मुझे ये कह रहा है। अंदर खाने उनको ये था कि यार ये नौबत आ गई, मैंने अपने कामों से और अपनी वाणी से ऐसा अपने आप को बना लिया कि लोग मुझे इस शब्द से नवाज रहे हैं, ये उपाधि दे दी है लोगों ने मुझे, वो इसलिए रो रहे थे। और रोने की भी क्या बात है, अगर आप उपलब्धि पे दिखा रहे हैं आंसू वो रोने का मौका है। जब हंसी के वक्त आप रोते हैं ना तो आप बोलते बोलते रोते हैं, ऐसे नहीं होते कि आप बोलते बोलते चुप हो गए और रो रहे हैं, इसका मतलब दुख है आपके अंदर कोई। अगर आप बोलते बोलते चुप हो गए तो आप दुखी है, और अगर बोलते बोलते आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो वो है खुशी के आंसू। वो बेकार की वहां नौटंकी कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने वहां पे उसके बीच में चंद्रयान उतर रहा और ये भी उतर रहे हैं उसके बीच में स्क्रीन पे, पब्लिक ने देखना बंद कर दिया टीवी, जिसके हाथ में कंप्यूटर था जिसके हाथ में फोन था सबने बंद कर दिया कि उनको गुस्सा इतना आया पब्लिक को, वो उस बात से उनको आंसू आए। मैं ये कह रही हूँ कि तुष्टिकरण की बात प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं, नीचे संदेश जाता है कि आपको आगे क्या करना है। शिक्षिका ने बड़े आराम से संदेश ग्रहण कर लिया कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, सॉरी, उसी का नतीजा है ये। उसके अलावा आपकी धर्म संसद होती है, वहां मुसलमानों को मारने काटने की कॉल दी जाती है, फिर आपकी साध्वी प्रज्ञा जाती है राजस्थान, वहां कहती है चक्कू छुरी तेज करवा लो, आपके काम आएंगे चक्कू छुरियां तेज करवा के रखो। मतलब आप खुलेआम आप जेनोसाइड की कॉल दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमारा आपस का मामला है, ये आपस का मामला नहीं है। जब बुलडोजर चलते हो बगैर आरोप सिद्ध किए वो आपस का मामला नहीं रह जाता। तो जो जो भी इसको लोग उनका क्या है, क्योंकि वो फेल हो गए और लेकिन वो अपने उस मकसद में कामयाब जरूर हुए जो उन्होंने नफरत का जहर जो नीचे तक घोल रखा है। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, जो सबसे बड़ा अपराधी है, ये व्हाट्सएप है। ये इस व्हाट्सएप का वो टीचर का काम ही है ये सुबह उठ के देखना, और वो विकलांगता की आड़ में अपना अपने जबान को नहीं छुपा सकती, उसकी जो जहर बुझी जबान है, जो सुरेंद्र दुबे जी ने कहा कि वो इतने कंफर्टेबली बैठी है, मतलब कन्विंस्ड है, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं जिसको, कि उसको मतलब असर ही नहीं है, वो ऐसे कि जैसे कि उसको तो बड़ा सिद्धि हो रही है उसकी, तो जो वो सोच रही है वही बात सिद्ध हो रही है उसको। और किस तरीके से एक बार नहीं दो बार नहीं चार उसने बहुत बढ़िया ये तरीका निकाला। और एक चीज और मैं बता रही हूँ इसी में, जैसे अभी बात आ रही है बच्चों को मारने पीटने वाली, इसके पक्ष में जो लोग इस टीचर के पक्ष में थे वो क्या लॉजिक दे रहे हैं कि हमारे यहाँ भी पिटवाया जाता था ऐसे ही, कि छोटे बच्चों से बड़े बच्चों को या छोटे भाई से बड़े भाई को, लानत है ऐसे माँ बाप पे जो ये काम करवाते थे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आप बड़ों का आदर करो कि बड़ा भाई बाप के समान है, और दूसरी तरफ आप उससे पिटवा रहे हैं, ये कैसी संस्कृति है? बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। हर एक घटना हमारे समाज के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है ना, और जो जो इसके अंदर अंडर बैली जिसको बोलते हैं, जो गंद भरी हुई है, वो सामने निकाल के रख देती है।